यूरोप में टैप वाटर पीते हैं? क्या यहाँ की विंडो बहुत ही अजीब तरह से खुलती है? क्या यहाँ का मेन फूड ब्रेड है? या फिर यहाँ पे बीचेस में इसमें लोग ऐसे नंगे घूमते हैं? लिटरली बहुत सारी बातें हैं यार, पूरे वीडियो को आप देखो, इसमें आपको पूरी बातें समझाता हूँ। हेलो गाइस, तो भाई आप जर्मनी में मुझे हो गए हैं 1 साल कंप्लीट, ज़्यादा ही हो गए एक्चुअली। 1 साल लाइक काफ़ी टाइम होता है कि आप किसी भी कंट्री को अच्छे से जज कर लेते हो और आप समझ जाते हो कैसा क्या सीन है पूरा सब कुछ का। तो क्या जर्मनी कैसा है, लाइक क्या एक्सपीरियंस रहेगा मेरा पूरा जर्मनी के बारे में? तो भाई सारे कंट्रीज अपने अपने जगह पे अलग होते हैं, हमारा रहन सहन कल्चर बहुत कुछ डिफरेंट होता है। सो गाइस, मेरा नाम निशांत है, मैं जर्मनी में रहता हूँ। तो मैं यहाँ के रिगार्डिंग वीडियोस बनाता हूँ, कैसी यहाँ की लाइफ है, कैसे आप यहाँ आ सकते हो, पढ़ाई के लिए कैसा है। और जैसे कि सबको पता होगा कि जर्मनी जो है ना पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्यूशन फीस होती नहीं है। तो हाइप पे चल रहा है जर्मनी, यहाँ का वीज़ा मिलना ही बहुत ही आसान है अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है। तो गाइस जर्मनी का जो समर है ना, इसका सीन कुछ ऐसा है कि अभी देखो अभी यहाँ के 8:30 बज रहे हैं और कितना रोशनी है। तो इसी तरह यहाँ पे समर्स में क्या होता है ना कि जो रात होती है वो 10 बजे 10:30 बजे होती है, जो सनसेट की मैं बात कर रहा हूँ। जो सुबह होती है नॉर्मल 5 5:30 बजे अपनी धूप आ जाती है, सनराइज हो जाता है। बट विंटर जैसे आता है ना, विंटर में समझो आपकी दिन ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि दिन होती भी है तो बादल छाए होते हैं। सुबह आपका लेट लाइक 8 9 बजे सनराइज होगा, 8 9 बजे आपका सनराइज होगा। देन सन जो सेट होगा ना, 4 बजे तक सनसेट हो जाएगा। कंप्लीट अंधेरा की बात कर रहा हूँ मैं, लाइक 3:30 2:30 बजे से आपको अंधेरा शाम वाला फीलिंग आ जाएगा और 4 बजे तक कंप्लीट अंधेरा आपको मिल जाएगा। और भाई जो सोचते हैं ना कि यहाँ पे लाइक है ना यहाँ पे ठंड बहुत ही है, धूप नहीं होगा ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अभी लिटरली टेम्परेचर 32 डिग्री से बाहर। हाँ इंडिया में इतना नहीं, इससे ज़्यादा जाता है। बहुत सारे सिटीज़ में बहुत ही गर्मी होती है, बट ये भी बहुत गर्म होता है। अब यहाँ की जो धूप होती है ना वो बहुत जल्दी जलाती है, बहुत अलग सा लगता है इनके धूप में। तो मतलब टैन आप जल्दी हो जाओगे यहाँ पे, ऐसा है, टैनिंग बहुत जल्दी हो जाएगी आप बहुत ही, और गर्म गर्म सकता है। मेन बात है आप यहाँ पे रहने लग जाते हो ना, आप बहुत टाइम पे यहाँ पे रहने लग जाते हो तो आप हैबिचुएट हो जाते हो, आपको कम टेम्परेचर में ही गर्मी लगने लगती है, तो ऐसा होने लगता है यार। तो ऐसा सीन है कुछ। जर्मनी में घर होते हैं ना यूजुअली 2 तरह के होते हैं, ठीक है? एक होता है फर्निश्ड, एक होता है अनफर्निश्ड। फर्निश्ड घर में आपको ये जितना आपको स्टफ दिख रहा है ना सब कुछ मिलेगा, इंक्लूडिंग टेबल सब कुछ, जितने भी फर्नीचर है, फर्नीचर आइटम, बेड वगैरह सब कुछ मिलेगा। अनफर्निश्ड घर में आपको कुछ नहीं मिलता, आपको बस एक खाली रूम मिल जाता है। इनफैक्ट किचन में बेसिन तक नहीं लगा होता, कुछ नहीं लगा होता। वॉशरूम में बाटा होता है और कमोड होता है, तो बस यही होता है। और बाकी सब कुछ आपको फर्निश करना होता है, आपको खुद का मिरर तक ही लगाना होता है, हर कुछ लगाना होता है। बहुत जनरली हम स्टूडेंट की अगर बात करें तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट एंड वेयर क्या, स्टूडेंट एंड अपार्टमेंट ले लेते हैं, ठीक है? ये यूनिवर्सिटी से लाइक हम स्टूडेंट हैं तो हमें ये यूनिवर्सिटी की तरफ प्रोवाइड हो जाती है, बहुत सारे केसेस में मिल जाती है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है ना, ये पूरा फर्निश्ड होता है, ठीक है? आपको हर एक चीज़ मिलेगी, ठीक है? आपको ऐसा होता है कि आपको शेयर करना पड़ता है, आपको शेयर करना पड़ेगा। लाइक एक एक अपार्टमेंट है जिसमें 3 रूम है, तीनों का अलग अलग पर्सनल रूम है, 3 बंदों का ये, ठीक है? और आपको किचन और वॉशरूम को शेयर करना पड़ेगा। ये सेम चीज़ फर्निश्ड घर में भी होती है, अगर आप शेयर कर रहे हो लाइक एक अपार्टमेंट, तो ऐसा होती है जिसमें कि पहले से कुछ लोग रह रहे होते हैं और खाली होता है, तो वो आप शेयर करते हो उसके साथ में, उसमें भी फर्निश्ड होता है, वो घर फर्निश होता है। अनफर्निश्ड घर का ऐसा सीन है ना कि आप ले लिए, लाइक आप एक फैमिली हो, ठीक है, आप यहाँ पे आ रहे हो, सेटल हो रहे हो, तो आप एक अनफर्निश्ड घर ले लिया, ठीक है, आपको उसका रेंट भरना है और आपको सारा फर्नीचर खुद ही सेटल करना है, वो ऐसा सीन होता है कुछ। घर फर्निश्ड हो या अनफर्निश्ड, हीटर इलेक्ट्रिसिटी ये आपको मिल जाएगा। बाकी जैसे फर्निश्ड वाले में क्या होता है ना कि आपको वाईफाई वगैरह सब कुछ मिल जाता है, तो ये इसमें नहीं होता। पर हाँ अगर आप जर्मनी आ रहे हो ना तो आप ट्रैवल अडेप्टर वो भी बहुत सारा ज़रूर लेकर आना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप आओगे आपका खुद का ही सारा लैपटॉप्स और फोन्स होगा, तो उसमें जो इनका प्लग होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है? तो वो जैसा आपको ये दिख रहा है इनका इस टाइप का इसमें प्लग होता है और ये इंडिया से अलग है,
तो आप ज्यादा ले आना, क्योंकि अगर एक दो खराब हो जाता है तो आप बाकी यूज कर सकते हो और बहुत सारे जगह पे काम आता है। यूनिवर्सिटी कैसे डिफरेंट है इंडिया से? यहाँ के यूनिवर्सिटी में तो सबसे पहले तो कुछ फीस नहीं लगता, ये बहुत ही लाइक अफोर्डेबल बना देता है आपको यहाँ पे आकर पढ़ाई करने के लिए। यही मेन रीजन है जिसकी वजह से जर्मनी में लोग आते हैं, और इसके जर्मनी जानबूझकर ही करता है क्योंकि जर्मनी ऐसा सोचता है कि हमें यूथ पे खर्च करना चाहिए ताकि ये हमारी कंट्री को अच्छा करे आगे जाके। और ये सही है, ये बहुत ही अच्छा काम है। यहाँ पे पूरी हायर स्कूलिंग जो है ना आपका, यूनिवर्सिटी वगैरह सब कुछ फ्री है, लाइक फ्री क्या, कंप्लीट जीरो फीस, ऐसा भी नहीं होता। सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है आपको, जो कि होता है आपका 150 से 300, 350 यूरोस पर सेमेस्टर। तो ये बहुत ही कम हो जाता है, लाइक इंडिया से भी लिटरली सस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अफोर्डेबल हो जाता है, तो लोग यहाँ पे आके पढ़ाई करते हैं। यही सुन के मैं भी आया था। इनका रिजल्ट पता है ऐसे नोटा, इनका जो ग्रेड्स होते हैं ना, इसको नोटन बोलते हैं। इसमें ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम होता है ना कि लाइक हमारे में ऐसे होता है कि 100% है, ठीक है, 33-35% अपना पासिंग मार्क्स है, और आप जितना ज़्यादा लाओ, जितना ज़्यादा परसेंटेज उतना सही है, उतना अच्छा मार्क्स है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे आप 1 से लेके 6 तक का आपको नोटा होता है, नोटाइंस वाई, लाइक 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है, ऐसे होता है। और 1 की तरफ आप जितना जाओगे उतना आपका अच्छा मार्क्स है, मतलब समझो 100% 1 के साइड, और नीचे जाओ तो आपका 0 के साइड जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे चलता है, अपोजिट है थोड़ा। और जैसे कि इसमें पासिंग ऐसा कुछ होता है, जैसे मैं जर्मन लैंग्वेज है तो उसमें जो पासिंग मार्क्स होता है वो 4 होता है, 4, 4.1, 4.2, ऐसे करके चलता है ये। ऐसे एग्जैक्ट नहीं है कि आपका 1 ही आएगा, 2 ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये इस तरह से 6 तक जाता है, ठीक है। पासिंग 4 होता है, 4 आप समझ लो 40-45%, ऐसा कुछ है। तो इस तरह से इनका ग्रेडिंग सिस्टम है। यूनिवर्सिटी में क्लासेस तो बहुत ही प्यारी प्यारी होती है, और सारे बच्चे होते हैं, बहुत ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही मिक्स कंट्रीज के होते हैं ना, कि कोई टीचर आपका कहीं से है, कोई इटली से है, कोई स्पेन से है, कोई खुद के जर्मनी से है, यस भी है, ऐसा है भी है, तो बहुत सही है। सारे प्रोफेसर है जो कि लिटरली साइंटिस्ट है, वो आकर कुछ एक आध क्लासेस लेते हैं और पढ़ाते हैं आपको, आप मिलते हो, बात करते हो, आपको एक्सपोजर मिलता है। तो बहुत ही अलग सीन है इसका, तो इसका बहुत ही अलग फ़ायदा है आपको कि जो यूनिवर्सिटी है ना, वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत ही आपको क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है और बहुत ही कम दाम में मिल रही है, वो बहुत सही है। ऐसा नहीं है जर्मनी में ही कम मिलती, कुछ और कंट्रीज है जहाँ पे कम है चार्जेस पढ़ाई का और स्कॉलरशिप वगैरह देती है, बट जर्मनी इसमें से वन ऑफ द बेस्ट है, इकोनॉमी वाइज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। तो सही है, लाइक आप मूव करना चाह रहे हो तो इस बेसिस पे आप जरूर आ सकते हो यहाँ पे। अब जर्मनी आने की बात हो और जर्मन लैंग्वेज ना आए बीच में, ऐसा हो सकता है। लैंग्वेज बैरियर बहुत है यहाँ पे, यहाँ पे आप आ रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप B1 से नीचे करके आओ ही मत, चाहे आपका कोर्स इंग्लिश में हो या आप जॉब के लिए आ रहे हो, कुछ भी के लिए आ रहे हो, आपको मिनिमम, चाहे आपकी रिक्वायरमेंट है या नहीं हो, चाहे आपकी वीज़ा में रिक्वायरमेंट हो या ना, पर आपको मिनिमम B1 करना चाहिए। लाइक ये मेरा सजेशन है, आपको यहाँ पे दिक्कत होगी जैसे आप B1 करके आते हो और यहाँ पे लाइक हेल्प क्या होगी ना, कि आप यहाँ पे बेसिक कॉन्वर्सेशन कर लोगे, आपको क्या क्या लिखा हुआ है वो आप समझ जाओगे, तो थिंग्स गोना बी इजी। तो इस तरह से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है लोगों का, लाइक सही भी है, क्योंकि आप ब्लॉक्ड अकाउंट लेकर आते हो इंडिया से, ठीक है, वो कि 1 साल का होता है। तो क्या जैसे मेरा 1 साल हो गया, ठीक है, और आप भी जब आओगे आपका 1 साल जैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या ये ब्लॉक्ड अकाउंट खत्म हो जाता है? ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा, और फिर आपको क्या करना होगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल होता है लोगों के माइंड में। तो अभी मेरा सिचुएशन से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे को 1 साल से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो खर्चा कैसा होता है, ये जो ब्लॉक्ड अकाउंट में हमारा अमाउंट होता है ना, जो कि अभी बढ़ गया है, 11,900 समथिंग हो गया, ठीक है, तो ये जो अमाउंट है ना, ये एक सच बताऊँ तो नॉर्मल सिटीज में अगर आप रह रहे हो तो काफ़ी है, ठीक है, लाइक काफ़ी बोले तो क्या है, आपका आपको मंथली 990 ऐसे कुछ मिलता है, ठीक है, और आपका खर्च कितना होता है अगर आप नॉर्मल सिटीज़ में रह रहे हो, जैसे मैं हाले में रहता हूँ, तो वो नॉर्मल सा सिटी है, बड़ा नहीं है, छोटा भी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ऐसा है कि मेरा जो मंथली खर्च है वो 600 यूरोस तक जाता है, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। तो अगर ऐसे सिटीज़ में हो ना आप, तो आपका 1.5 साल ब्लॉक्ड अकाउंट चल जाएगा, बट अगर आप बर्लिन जैसे सिटीज़ में हो तो 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा, 1 साल का ब्लॉक्ड अकाउंट 1 साल ही चलेगा, ऐसा ही होगा, सीन यही है। और बहुत ही लोग सोचते हैं कि अब जैसे कि इंडिया में 1 साल का वीज़ा मिलता है, 1 साल का ब्लॉक अकाउंट होता है, आप वहाँ पे आओगे फिर वीज़ा एक्सटेंड कराओगे, तो क्या आपको वापस से ब्लॉक अकाउंट दिखाना पड़ता है? ये सवाल जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लिटरली कमेंट में ट्रेंड करता है,
ऐसा नहीं है एक्चुअली, हाँ भी है नहीं भी है, डिपेंड करता ऑफिसर पे वो कैसा ऑफिसर आपको मिला है। ये ऐसा सिचुएशन है जिसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया जा सकता, बट हाँ जनरली मैं बोलूंगा कि ब्लॉक डाउन वापस से नहीं दिखाना पड़ता। स्ट्रिक्ट होते हैं ऑफिसर, तो वो अगर बोलेंगे नहीं आप ब्लॉक डाउन लाओ ही लाओ, आप स्टूडेंट हो ठीक है, तो अलग बात है। जनरली क्या होता है कि आपके पास जॉब परमिट होता है ठीक है, तो आपके पास पार्ट टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप वो दिखाओगे अकाउंट में आपके 1-2 हज़ार यूरो है तो काम हो जाता है ठीक है। बट कई सिटीज़ में लाइक मेरे एक फ्रेंड था, उसका वो कील में था, तो कील में उसे बोला गया कि नहीं आप वापस से ब्लॉक अकाउंट दिखाओ तभी वीज़ा एक्सटेंड करेंगे, और टेम्परेरी वीज़ा आपको 3 या 6 मंथ का दे देते हैं, सब कुछ होता है। अब आप मेरे से पूछोगे मैंने क्या करा था, तो मेरा सीन था ना कि मैं जॉब वॉब करा था और वीज़ा टाइम पे एक्सटेंड करा लिया था ऑलमोस्ट ठीक है, तो मेरे अकाउंट में कुछ पैसे थे, कुछ मैंने जॉब से कमाया, तो कुल मिला के मैंने लाइक 8,000+ यूरोस मैंने दिखा दिया, तो मुझे 2 साल का वीज़ा मिल गया डायरेक्टली। तो वीज़ा ऑफिसर पर भी डिपेंड करता है, मेरे कुछ ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसमें लोगों के पास अकाउंट में 2,000 यूरो है और बट जॉब कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास, तो उनका वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है प्रॉपर 1-1.5 साल 2 साल, कोई इशू नहीं आ रही। तो ये इस तरह का इसका सीन चलता है भाई। कंक्लूजन क्या है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? भाई आ सकते हो, बहुत ही सही जगह है, लाइक लैंग्वेज करके आओ ठीक है। स्टार्टिंग 1-2 साल आपको दिक्कत होगी थोड़ा, आप लाइक कुछ मंथ आप संभलने में लगेगा, कैसा क्या सिस्टम है देखोगे समझोगे, पर धीरे धीरे लाइक लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी ठीक है, आप ढल जाओगे ठीक है। इनफैक्ट आप इंडिया जाओगे तो वहाँ आपको दिक्कत होने लगेगी गर्मी वगैरह की, तो बाकी सही है आप आ सकते हो, पढ़ाई के लिए तो बेस्ट है, जॉब के लिए भी अच्छी है। आप अगर यहाँ से अपनी डिग्री कर लेते हो कंप्लीट, तो आपकी जॉब फिक्स है। जर्मनी में बहुत ज़्यादा जॉब की किल्लत है, पार्ट टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रोफेशनल जॉब की बात कर रहा हूँ, तो ये सब में आपको बहुत बहुत ही जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं है ठीक है। तो आ सकते हो, इतना आप कमा लेते हो पार्ट टाइम जॉब से कि आपका मंथली एक्सपेंस निकल जाता है, इनफैक्ट कुछ सेव भी कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप आ सकते हो। होप करते हैं गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया ना तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो इस तरह के वीडियोज़ के लिए, और मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।